मैम, हमारे साथ में हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर नितेश धवन सर जुड़ चुके हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं आज के इंट्रोडक्टरी वक्तव्य के लिए। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र जी, और मैं पूरे विवेक कॉलेज बिजनौर के परिवार की ओर से हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर नितेश धवन जी का बहुत बहुत आज के वेबिनार में स्वागत करती हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ वेबिनार आज का जो विषय रखा गया है वो आज के इस COVID-19 जो एक वैश्विक महामारी फैली हुई है उससे चुनौती भरे इस परिस्थितियों को कैसे सकारात्मक बनाया जाए उससे संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग, और ये दोनों ही हमारे कीवर्ड्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। बिना मेंटल हेल्थ के सोशल वेलबींग की कल्पना करना भी शायद संभव नहीं है। जैसा हम सब जानते ही हैं कि हमारे साथ में और भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स विभिन्न स्थानों से जुड़ गए हैं उन सभी का भी स्वागत करती हूँ, अपनी प्रबंध समिति का स्वागत करती हूँ, और IQAC के तत्वाधान में जो ये वेबिनार आयोजित किया है डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी ने, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हितेश शर्मा जी, जिनकी वजह से हमारे ये वेबिनार इतने सफलतापूर्वक कार्य कर पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है कि परिस्थिति बदलने के लिए मन स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है, और इसमें हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे स्पीकर जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो आज के इस सुंदर व्याख्यान के लिए हम सबको ज्ञान और ऊर्जा के साथ हमारे इस सेशन को पूरा करेंगे। इस स्वागत शब्दों के साथ मैं पुनः हृदय से संपूर्ण विवेक परिवार से की ओर से उनका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ में एक वक्ता के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में हमारे टीचर, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर हितेश धवन सर जुड़े हैं। डॉक्टर धवन सर वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर वाराणसी डिवीजन में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ में काम कर रहे हैं, के पद पे काम कर रहे हैं। इससे पूर्व आप समीक्षा अधिकारी भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में 2001 से 2011 तक। इन सब के अलावा आप प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ में आपका शिक्षण में किस तरीके का रुचि है वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है। आप विजिटिंग फैकल्टी के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी में काम करते रहे हैं समय समय पर, जिसमें मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन और डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करते रहे हैं। साथ साथ में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आप टाइम्स बिजनेस स्टडीज में भी लखनऊ में भी कार्य कर चुके हैं, जिसमें अपनी विशेषज्ञता के आधार पर वहाँ पे बच्चों के साथ जुड़ते रहे हैं। आपने MSW की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से 2000 में प्राप्त की। 2004 में आपने दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने MPhil की उपाधि, 2009 में आपने PhD लखनऊ यूनिवर्सिटी की उपाधि प्राप्त की है। साथ में 2000 में आपने इंडिया का प्रेस्टिजियस एग्जाम UGC नेट को आपने क्वालिफाई किया है। आपकी शिक्षण, आप प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ में जो आपकी शिक्षण में रुचि है वो आपके लेखन में भी झलकती है सर, जिसमें आपने टाटा मैग्रा हिल के द्वारा आपकी पब्लिश पुस्तक सोशल वर्क फॉर UGC नेट, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसको सराहना प्राप्त हुई है, आपके द्वारा लिखी गई है सोशल वर्क प्रोस्पेक्टिव फिलोसफी एंड मेथड्स, भारत पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में। आप सब्जेक्ट के साथ साथ में आपने कविताओं में भी लेखन किया है और कई सारी समस्याओं पे भी किताब लिखी है, जिनमें नए क्षितिज के खोलो द्वार विशेष रूप से सराही गई है, और कविता संग्रह के रूप में आपकी किताब आवरण के पीछे से, जिसमें कलेक्शन ऑफ पोएम है, वो भी आपके द्वारा लिखी गई है। इसके साथ साथ आप विभिन्न मैगजीन्स में रेगुलर कंटेम्प्रेरी विषयों पर आप अपना मत देते रहे हैं, जिसमें करिकुलम ई मैगजीन करिकुलम में आप नियमित लेखक हैं। साथ साथ में आप दिग्दर्शक करके मैगजीन में भी आप वर्तमान समय में कॉलम लिखते रहे हैं।
आपकी लेखन की कला से प्रभावित होकर न केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी आपके शोध पत्रों को सराहा गया है, जिसमें प्रमुख शोध पत्र रोल ऑफ सोशल वर्कर इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशनल सोशल वर्क प्रोस्पेक्टिव जर्नल में पब्लिश हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। साथ साथ में आपने इन्वायरमेंट एंड द सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कृतिका के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके अलावा आपका एक पेपर गुड गवर्नेंस में जो रोल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इन गुड गवर्नेंस, जहाँ तक सर मुझे याद है आपका पीएचडी का विषय रहा है। पीएचडी के साथ साथ में आपके इस पेपर को भी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा सराहा गया है। आप विभिन्न सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज में विशेष विशेषज्ञ के तौर पर हमेशा शामिल होते रहे हैं सर। ऐसी प्रतिभा को, ऐसे व्यक्तित्व को विवेक कॉलेज परिवार पाके आज उल्लासित है, हर्षित है सर, और हम सभी लोग आपको सुनने के लिए लालायित हैं सर। मेरा निवेदन आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर नितेश धवन सर से कि वो अपने उद्बोधन के लिए। Am I audible? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है सभी तक? हाँ, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर चूजिंग सच अ रेलिवेंट टॉपिक एंड इनवाइटिंग मी एज वन ऑफ देयर स्पीकर्स इन दिस वेबिनार। सो एज वी नो that the topic of webinar is very significant in the current scenario, which is mental health and social well-being during the times of corona pandemic. So I have divided my lecture in four different parts. चार भागों में मैंने उसे बांटा है, या ये कह लें कि चार objectives हैं आज के इस webinar के। पहला ये कि मेंटल हेल्थ को सही पर्सपेक्टिव में रखने का, उसे उसकी जो अवधारणा है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको ठीक से समझना, सिंप्लीफाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द स्टेटस ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग दोज फैक्टर्स विच लीड टू मेंटल इलनेस। कौन से ऐसे कारक तत्व हैं जिसकी वजह से हमें आज के समय में, आज की जो लाइफ है, लाइफस्टाइल में बहुत सारे मेंटल इलनेसेस और डिसऑर्डर्स को से ग्रस्त होते हैं, ऐसे कारणों को समझना। तीसरा, प्रेजेंटिंग अ मॉडल विच इंटर रिलेट्स वेरियस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर जेनरेटिंग अ साउंड मेंटल हेल्थ। यानी वो कौन से ऐसे इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिससे हम साउंड मेंटल हेल्थ की ओर बढ़ सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना। और चौथा, सजेशंस बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू अचीव साउंड मेंटल हेल्थ। तो आज के परिवेश में सबसे जरूरी चीज ये है कि मानसिक स्वास्थ्य भारतीय परिवेश में कहां पे है, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है। आई वुड लाइक टू कोट द रिपोर्ट ऑफ WHO विच वॉज रिलीज्ड इन 2019 विच सेज दैट 7.5% ऑफ द होल पॉपुलेशन इन इंडिया is suffering from some kind of a mental disorder, which is a huge number considering the fact that India has the second largest population after China. Dusra, global contribution ki agar baat kare, to India ka contribution as far as mental disorders, substance use disorders and neurological disorders are concerned, 15%, which is also a very big number. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लोबल लेवल पे 100 पेशेंट्स मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं तो उसमें भारत के 15 लोग हैं, और ये 2020 में जो कि अभी चल रहा है उसमें ये ओवर 20% होने के
बहुत चांसेस है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी आर सफरिंग थ्रू द कोरोना क्राइसिस पीरियड. तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेटस जो आपको जानने की जरूरत है कि ट्रीटमेंट गैप हमारे यहाँ 70% है. इसका मतलब अगर 10 लोगों का इलाज होना चाहिए तो मात्र 3 लोगों का ही इलाज हो रहा है. सो द गैप इज ऑल्सो वेरी बिग. आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पूरे भारत में देर आर ओनली 4,000 एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत कम नंबर है, बहुत कम संख्या है. तो इस पूरे परिदृश्य को अगर हम देखें तो पहली चीज जो ये आंकड़े हमें बताते हैं वो ये कि सिस्टमिक लेवल पे यानी इन एडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लार्ज स्केल पे है. ये बहुत बड़ा गैप है हमारी जो मेंटल हेल्थ नीड्स हैं एक तरफ, और उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है. दूसरे ये जो आंकड़े नहीं बताते हैं वो दो चीजें हैं. पहली कि हमारे यहां भारत में अगर किसी व्यक्ति को ये पता लगाना हो कि मेंटल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ उसकी कैसी है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एसेसिंग द मेंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में. यानी हमारे पास वो जानकारी नहीं है जिससे हम ये एसेस कर सके कि हमारा मेंटल हेल्थ स्टेटस कैसा है. दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है और जो बहुत इन्फ्लुएंस करता है मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट को इंडिया में, दैट इज सोशल स्टिग्मा. यानी कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाता है तो हमारा समाज एक सोशल लेबलिंग, एक टैग लगा देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, वो आर मेंटली इल और सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, वो अपनी बात शेयर नहीं करते. तो इन दैट वे हमारे सामने अगर हम पूरा परिवेश देखें तो देर आर 3 डिफरेंट चैलेंजेस. फर्स्ट इज द इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मेंटल हेल्थ फील्ड. सेकेंड इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस. एंड द थर्ड इज सोशल स्टिग्मा. ये पूरा परिवेश है आज की सिनेरियो. इसके बाद अगर मेंटल हेल्थ को हमें ठीक से समझना है, हर किसी का एक अपना कॉन्सेप्ट है, वी ऑल हैव अवर ओन कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, मगर थोड़ा उसको और क्लैरिफाई करेंगे, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करेंगे और आज की जो परिस्थिति है उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे. पहली जो समझने की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस पैंडमिक. हम सवेरे से शाम तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं लोगों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से, वी आर गैदरिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेस टू द सेम सिचुएशन. यानी उसी इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोग ले रहे हैं लेकिन सबकी प्रतिक्रियाएं, सबका रिस्पॉन्स अलग अलग है. तो जब हम कोई इंफॉर्मेशन मेंटल हेल्थ की सुनते हैं या कोरोना पैंडेमिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हम सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसको परसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसी के साथ एक फीलिंग कॉम्पोनेंट है जिसको हम एफेक्टिव कॉम्पोनेंट कहते हैं. यानी हम कैसा महसूस करते हैं उस जानकारी को लेने के बाद. और तीसरा ये हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड द फीलिंग कॉम्पोनेंट, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू द गिवन सिचुएशन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरे मेंटल हेल्थ सिनेरियो को हम देखें तो देर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स. फर्स्ट इज द कॉग्निटिव पार्ट, दैट इज हाउ वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन. हमने इंफॉर्मेशन सुनी, समझी, प्रोसेस की. दूसरा, हमने उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के बाद क्या फील किया,
what are the feeling factors? How do we feel after perceiving that information? वो है हमारा एफेक्टिव कॉम्पोनेंट. और तीसरा फैक्टर जिसको हम कहेंगे द बिहेवियरल रिस्पॉन्स. इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन आने से और इंफॉर्मेशन के प्रति रिस्पॉन्स देने के बीच जो कॉग्निटिव और एफेक्टिव फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो पूरे मेंटल हेल्थ को हम इस तरह से कह सकते हैं कि द मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड. ये वो एक मानसिक स्थिति है. शुरुआत में मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी मन स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है. ये उसी मन स्थिति को समझने के अलग अलग फैक्टर्स हैं, कारक तत्व हैं, जिसमें हमने कॉग्निटिव फैक्टर्स, एफेक्टिव फैक्टर्स एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को देखा. तीसरी जो समझने की बात है वो ये है कि हम आखिर मेंटल हेल्थ को क्यों स्टडी करें, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. तो समझने की जरूरत यह है कि जीवन की जैसी आवश्यकताएं हैं, द डिमांड्स ऑफ द लाइफ ऑफ द मॉडर्न डे लाइफ इन्वॉल्व लॉट ऑफ प्रेशर्स, लॉट ऑफ स्ट्रेसर्स, बहुत सारे स्ट्रेस हैं. और हमें ये कुछ मूलभूत चीजों को समझना ये जरूरी है कि आज के परिवेश में, आधुनिक युग में, जब लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो दो तीन चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी. वो ये पहली चीज ये है कि समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है. प्रॉब्लम्स विल कीप कमिंग. वन प्रॉब्लम यू विल सॉल्व एंड द अदर विल राइज. प्रॉब्लम्स आर नेवर गोइंग टू एंड. तो बदलने की क्या जरूरत है कि हमें ये समझना पड़ेगा उन प्रॉब्लम्स में से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशंस. और उसमें से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं, जिसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, एंड द टाइम विल टेक केयर, विच इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल. तो मेंटल हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो लाइफ की डिमांड्स हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत प्रेशर्स हैं, बहुत तनाव है, और इस वजह से वी नीड टू इम्प्रूव अवर साइको सोशल कॉम्पिटेंस, अवर एडेप्टेबिलिटी, अचीविंग बैलेंस इन लाइफ. दिस इज द गोल, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर स्टडीइंग द मेंटल हेल्थ इन टूडेज परस्पेक्टिव. तो आप अब एसेस कैसे करें कि आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस है क्या? व्हाट इज द मेंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पर्सन से फॉर मी? देन आई हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस. कुछ सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे. जैसे आज की सिचुएशन में जब कोरोना पैंडेमिक है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है सवेरे से शाम तक 24 आवर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से, उसमें आई हैव टू आस्क कि वेदर आई एम गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, थ्रू इनसिक्योरिटी, थ्रू डिप्रेशन, एंड इफ आई एम फीलिंग दैट स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी से फॉर टू वीक्स, मोर देन टू वीक्स, इट इज परसिस्टिंग टू लॉन्ग, से फॉर अ मंथ, and it is hampering in day-to-day activities. Yani hum tanav ek lambe samay tak mehsoos kar rahe hain, do hafte ya do hafte se zyada, aur hamari jo dainik kriyaen hain, hamari jo samajik uttardayitva hain, usko pura karne mein hum kathinai mehsoos kar rahe hain, and unable to cope with those stressors of life, then it is a serious mental issue. So you, all the participants can ask yourself and assess your mental health status. अब इस पूरे सिनेरियो में जो हमको समझने की जरूरत है वो ये है कि वो क्या चीज है जिससे हम एक मॉडल बना सकें, एक मॉडल बना सकें कि
किस तरह से मेंटल हेल्थ स्टेटस को हमें स्टडी करना चाहिए और वो कौन से ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं या इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिससे हम साउंड मेंटल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, विच आर द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग अवर मेंटल हेल्थ स्टेटस। पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में कई उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से तनाव आते हैं, और इस दौरान जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है उस पर हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। पहला जो प्रमुख कारण है तनाव का, द फर्स्ट इज द डिनायल ऑफ रियलिटी, दैट इज वी डोंट ट्राई टू फेस द रियलिटी और एक्सेप्ट द रियलिटी। आप कभी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो बहुत सारे जो अंतर्द्वंद हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसका प्रमुख कारण डिनाइल ऑफ रियलिटी है। हम अक्सर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें हम रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता उम्मीदों से परे होती, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और हम उसको कहीं ना कहीं डिनाई करते जाते हैं, और ये अंत में जाके एक अंतर्द्वंद का रूप ले लेता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वो ये है, देयर इज अ गैप बिटवीन वंस कैपेबिलिटीज एंड हिज एक्सपेक्टेशंस, यानी हमारी जो अपने आप से अपेक्षाएं हैं और हमारी जो क्षमताएं हैं उसमें बहुत अंतर होता है, लेकिन हम अपनी एस्पिरेशंस को, अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करने की बजाय या ये समझने की बजाय कि हमारे पास क्या स्किल्स हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, उसको ये जाने बिना हम चेज करते रहते हैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्टेटस ऑफ मेंटल हेल्थ इन एडवर्स मैनर। आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, ज्यादातर हम या तो पास्ट की रिग्रेट्स में जीते हैं या फ्यूचर की एस्पिरेशंस को लेके जीते हैं, यानी वी नेवर लिव इन प्रेजेंट, वी ऑलवेज लिव इन टू स्टेट्स ऑफ माइंड, आइदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। ये बहुत बड़ा कारण है ओवरथिंकिंग में, हम या तो पास्ट में चले जाते हैं, उससे परेशान होते हैं, जो चीजें हम नहीं पा पाए, अचीव नहीं कर पाए, या हमारे बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं फ्यूचर को लेके, जैसे आजकल एक जॉबलेसनेस, करियर को लेके इनसिक्योरिटी, ये बहुत सारे इश्यूज। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, वी ट्राई टू कैरी द बैगेज ऑफ द पास्ट, यानी हम अपने अतीत को ढोते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इससे भी तनावग्रस्त हो जाते हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित। अगला जो प्रमुख कारण है उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, मतलब अगर कोई छोटी सी समस्या है और उसको हम मैग्निफाई करके, मैग्निफाइंग लेंस के साथ देखें, तो वो समस्या बड़ी लगने लगती है। इसी से मिलता जुलता है जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी इन्फ्रेंस, यानी बिना किसी एविडेंस के, तथ्यों के अभाव में हम समस्याओं का कारण कुछ ऐसे ही काल्पनिक तौर पे लगा लेते हैं, बिना रैशनैलिटी के हम सोचते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस पैंडेमिक में भी बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे ऐसे ऐसे रीजंस दे रहे हैं जो साइंटिफिक नहीं है, और इसकी वजह से भी हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, फियर ऑफ अननोन हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। अगला फैक्टर है पर्सोनिफिकेशन, यानी जितने भी चीजें हमारी जीवन में बुरी हो रही हैं
उसका उत्तरदायी हम स्वयं को मान लेते हैं। यानी हम जो कुछ भी गलत हो रहा है हमारे जीवन में, हम ये कहते हैं कि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, और इस वजह से हम बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं। एक और प्रमुख कारण जो है, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिविटी, यानी बहुत सारे रीजंस में से कुछ ऐसी चीज हम ढूंढ लेते हैं और उसी पे फोकस करना चालू कर देते हैं। जैसे कोरोना पैंडेमिक में अगर आप संख्या देखें तो विश्व में बहुत बड़ी है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बजाय इसके हम ये देखें कि रिकवरी रेट हमारा 1/3 है, हम ये देखें कि कितने लोग मर रहे हैं, कितनी लोग जो है रोज संक्रमित हो रहे हैं। अगर हम इस पे फोकस करेंगे, सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो भी हम तनाव ग्रस्त हो जाएंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हमें एक ऐसे मॉडल की जरूरत है, वी रिक्वायर अ मॉडल विच कैन हेल्प अस टू अचीव साउंड मेंटल। वो क्या हो सकता है? पहली चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे जीवन में जो अभाव है, जो कमी है, वो जीवन कौशल की, जिसको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर लाइफ स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस विच कैन हेल्प अस टू अचीव साउंड मेंटल हेल्थ। लेकिन इससे भी पहले लाइफ स्किल्स पे हम आए या हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे आए, उससे पहले तीन प्रमुख कारक तत्व ऐसे हैं जो हमारी लाइफ स्किल्स को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं। वो क्या है? फर्स्ट इज एटीट्यूड, यानी हमारी मनोवृत्ति, सीखने की मनोवृत्ति, द एटीट्यूड विच कैन बी पॉजिटिव विच कैन बी नेगेटिव। सेकेंड आर द वैल्यूज, value component in life is very important. What are the priorities, what are the preferences for which we are going for which we are aspiring, wo values kya hai? And the third is knowledge, gyan, yani jo cognitive part hai ki hum kis tarah se information ko grahan karte hain, usko interpret karte hain aur usko meaning dete hain। तो लाइफ स्किल्स हमें ये बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हमें क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन इससे भी पहले हमारी मनोवृत्ति, हमारे मूल्य, हमारा ज्ञान, हमारी सोचने समझने की शक्ति, क्षमता, ये प्रभावित करेगी कि हम क्या करें और कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल्स, एक छोटा सा उदाहरण आज के परिवेश में हम लोग ले सकते हैं कि एक एकेडमिक सेशन का लॉस हो रहा है। बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इस बात से चिंतित हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे, एकेडमिक सेशन कैसे पूरा होगा या उनका सिलेबस कैसे पूरा होगा, एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाएंगे। तो आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे पास नॉलेज, वैल्यूज और एटीट्यूड तीन चीजें हैं। एटीट्यूड हमारा ये है कि वी हैव टू बी पॉजिटिव टू इम्पार्ट एजुकेशन। दिस इज द पॉजिटिव माइंडसेट दैट वन इंस्टीट्यूशन शुड हैव। सेकंड इज द वैल्यू, वैल्यू ऑफ कमिटमेंट टू एजुकेशन। दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द इंस्टीट्यूशन to impart education to the students. That dedication and commitment is the value component. And the third one is the knowledge. You have the knowledge in specific fields, but in the current scenario, you need some different kind of knowledge to find a solution. Yani, ek traditional classroom teaching se bahar nikal ke we have to find a way to impart education. And that is the prime example of the webinars and the virtual classroom teaching that institutions are taking lead, are conducting these workshops online.
तो आपने देखा कि नॉलेज एटीट्यूड वैल्यू ये तीन कंपोनेंट ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं. लेकिन वो लाइफ स्किल्स क्या है, वो लाइफ स्किल्स क्या है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है जो हमारे बिहेवियर को ट्रेडिशनल से और इनोवेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग में ले जा सकता है. तो लाइफ स्किल्स में जो महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, उसमें पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग को हम बहुत साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग. यानी जब हम किसी मुद्दे को लेके, किसी इशू को लेके सोचें, तो हम इशू से रिलेटेड सोचें, उसके अलग अलग मेरिट्स और डिमेरिट्स को लेके सोचें, उसके विभिन्न आयामों को लेके सोचें, ना कि किसी अपनी अपनी जो व्यक्तिगत भावना है उससे प्रेरित होके सोचें. यानी अपने इमोशंस, अपने मोटिवेशंस को अलग रख के हम उस इशू के बारे में ही चिंतन करें. इसी से जुड़ा हुआ दूसरा है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. वंस वी फॉलो द स्टेप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, वी कैन गो फॉरवर्ड विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. दैट इज, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के बाद हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसी से जुड़ी हुई तीसरी स्किल है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग. दैट इज फाइंडिंग द इनोवेटिव सॉल्यूशंस, मूविंग फ्रॉम कन्वेंशनल टू नॉन कन्वेंशनल एवेन्यूज. दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल. वेबिनार इज अ प्राइम एग्जाम्पल. Then, the other factors of life skills involve the emotional intelligence factors, which include self-awareness, self-regulation of behavior, the motivation, the empathy, and the interrelationships, the skills in social relationships. So overall, it is a package which needs to be taught in schools, in colleges, to the students to achieve sound mental health. So, we can say that knowledge, attitude, and values are the three important components that influence the learning of life skills and emotional intelligence. And they in turn affect the behavioral reinforcement or change in behavior. यानी इनके इंटर रिलेशन से हमारे व्यवहार में परिवर्तन संभव है. तो इससे एक बात निकल के आती है, इफ वी हैव टू अचीव साउंड मेंटल हेल्थ और वी हैव टू प्रिवेंट एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक एंजाइटी, लाइक डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, देन वी हैव टू लर्न दीज स्किल्स विच हैज टू बी इंपार्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन. तो ये एक मॉडल है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा. अब बात आती है कि वो कौन से ऐसे सजेशंस हैं, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं, जिनके द्वारा हम साउंड मेंटल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, नाउ इट इज द अप्लाइड पार्ट. हाउ कैन वी अप्लाई द सजेशंस इन अवर लाइफ एंड अचीव गुड मेंटल हेल्थ. देखिए, जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं उसमें दो कंपोनेंट हमेशा छोड़ देते हैं. खासतौर से इंडियन कॉन्सेप्ट में मेंटल हेल्थ का फिजिकल एस्पेक्ट हम कभी कंसिडर नहीं करते. बट वी नो दैट साउंड बॉडी हैज साउंड मेंटल हेल्थ. तो हम मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट की जरूर बात कर रहे हैं, मगर हम फिजिकल एस्पेक्ट को, जो बॉडीली एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, यानी जिसमें बॉडी और माइंड का दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है और दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अब पहली चीज कि हम पहला सजेशन जो मेरा होगा आप लोगों से, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट योग should be a form of living.
आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जब भारत कई वर्षों से इंटरनेशनल योग डे मना रहा है 21 जून को, तो हम बातें तो कर रहे हैं मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। पहले से बेहतर हुआ है लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत गुंजाइश है कि योग को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, उसे इंटरनलाइज करें। मैं बताना चाहूंगा कि योग में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो हम एक घंटा अपने लिए समय निकाल सकें, 24 घंटे में से एक घंटा स्वयं के लिए, जिसमें पहली चीज शारीरिक क्रियाएं जो हैं, योग की क्रियाएं हैं, दूसरा ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग, लर्निंग टू ब्रीथ प्रॉपरली इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड इज मेडिटेशन। ये तीनों का कॉम्बिनेशन और एक घंटा अपने जीवन के लिए हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो सकता है। बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो आज योग सिखा रहे हैं, मगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको ये जरूर कह सकता हूं कि क्रियाज, योग क्रियाज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन आर मिराक्यूलस। This is the way of life we should follow. Mantras also has a very good, very significant role in our life because mantra chanting can generate positive vibes in our life. Positive vibrations mantras se aati hain. Bahut sare vedon mein aap dekhenge, upanishadon mein aapko bahut acche mantra mil jayenge. So first and foremost, my advice would be to practice yoga in the form of kriyas, breathing exercises and meditation. ये क्या बढ़ाएंगे आपकी? ये psychological immunity बढ़ाएंगे। हम physical immunity की बहुत बात करते हैं लेकिन psychological immunity की बात हम नहीं करते। So, in order to increase our psychological immunity, we have to follow these yoga techniques. Second is, what my experience is to increase self-awareness. Self-awareness के बारे में हम बहुत बात करते हैं, जो लोग students भी हैं, जो academicians भी हैं, वो भी बात करते हैं self-awareness के बारे में। लेकिन self-awareness की कैसे जाए, generate कैसे की जाए, ये आए कैसे? इसका एक बहुत अच्छी technique है, जिसको मैंने कहा है, stop and watch. All the participants can apply this technique in their lives. Stop and watch. For example, any moment, आप किसी भी क्षण में आप इसको कर सकते हैं. For example, अभी ही कर सकते हैं. आप अपने आप को रोकें और observe करें. The moment you start observing yourself, your thoughts and feelings disappear. You suddenly come to a position of relaxation. Your thoughts disappear, निर्विचार हो जाते हैं, उस समय कोई thought नहीं रहता। Apply this technique as many times as you can in 24 hours and you will find the result. आपका जो self-awareness है, self-awareness से जो मतलब है मेरा, वो ये है कि watchfulness हमारी बढ़ जाती है, mindfulness बढ़ जाती है, यानी जो भी काम हम करते हैं, होश के साथ करते हैं, यानी हम किसी इमोशंस में नहीं जाते हैं, हम किसी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग में नहीं जाते हैं, हम होश में रह के और कार्य करना चालू करते हैं। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ न्यू एनर्जी, इट गिव्स यू अ न्यू ऑब्जर्वेशन अबाउट योरसेल्फ। आपके बारे में आपके ऑब्जर्वेशंस और गहरे होते जाएंगे, यू विल नो योरसेल्फ बेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अप्लाई करें। और शुरू की जो तीन टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग, That is, ब्रीदिंग में तीन चीजें, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड कपालभाति। ये तीन टेक्निक्स को आप ब्रीदिंग में जरूर करें। YouTube चैनल से आप कभी भी सीख सकते हैं, ये भी आपका सेल्फ अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ा सकते हैं। तो योग क्रियाज के बाद सेल्फ अवेयरनेस को आप बढ़ा सकते हैं थ्रू योग क्रियाज, मेडिटेशन एंड प्राणायाम। इसके बाद जो समझने की जरूरत है कि वंस वी इंक्रीज अवर सेल्फ अवेयरनेस, वी आर इन अ पोजीशन टू
regulate our behavior. यानी जैसे ही हमें पता लगता है, अपने बारे में ज्ञान होता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, हम अपने व्यवहार को संचालित कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. यानी अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम रेगुलेट कर सकते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को हम बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी चीज जो जानने की जरूरी है वो ये है कि वी शुड आइडेंटिफाई द मेंटल ब्लॉक्स. बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स हमारे अंदर भरे हुए हैं और ये हमारे मोटिवेशन को, हमारी अभिप्रेरणा के स्तर को प्रभावित करते हैं. वो मेंटल ब्लॉक्स क्या है? क्लैरिटी ऑफ गोल ना होना, लक्ष्य के बारे में सही नॉलेज ना होना, सेल्फ डाउट्स होना, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ होना, और साथ ही साथ दूसरों से इन्फ्लुएंस होके अपने लक्ष्य निर्धारित करना. ये कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं. तो जब हम सेल्फ अवेयरनेस की ओर बढ़ेंगे, जब हम सेल्फ रेगुलेशन की ओर बढ़ेंगे, देन वी कैन आल्सो रेगुलेट अवर मोटिवेशनल फैक्टर्स. सो सेल्फ अवेयरनेस इज द की. तीसरी चीज जो जरूरी है वो ये है कि लाइफ स्किल्स में हमें क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अप्रोचेस हमें उतारनी पड़ेगी. हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा. हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वो लाइफ स्किल्स के बारे में स्पेशल क्लासेस चलाएं और स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स के बारे में जरूर सिखाएं. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हैं. जैसे कि अभी ये प्राइम एग्जाम्पल है, बट ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हैम्पर अवर मेंटल हेल्थ. बहुत सारी स्टडीज ऐसी आई हैं जो ये कहती हैं कि टेक्नोलॉजी का जरूरत से ज्यादा उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. आप देखेंगे कि आजकल बच्चे ही नहीं, बड़े भी, सभी लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए. टैबलेट्स हैं, मोबाइल हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रहे. सो व्हाट वी नीड टू डू, सो आई वुड सजेस्ट कि इंगेजिंग विद वन सेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंगेजिंग विद ऑब्जेक्ट्स. दैट इज द होल थिंग. Engaging with oneself is more significant than engaging with objects. Swami Vivekanand ji ki baat yahan pe quote karna bahut zaruri hai ki unhone kaha ki yadi 24 ghante mein hum apne aap se baat nahi karte hain to ek shandar vyakti se milne se vanchit reh jate hain. To iska abhipray yahi hai ki hum apne aap se jude. Connecting with the self is the first step to achieve sound mental health. Mental health, मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं यदि हम स्वयं के लिए समय निकालने के लिए उपलब्ध हैं. हम दूसरों के लिए निकालने के लिए उपलब्ध हैं, मगर अपने आप से कनेक्ट होने के लिए we also need to recharge ourselves. And breathing, yoga kriyas, pranayam, meditation, these are wonderful techniques to connect. To increase our self-awareness. और जैसा कि मैंने कहा कि एक mental health का एक spiritual concept भी है. Spiritual concept, जैसा मैम ने बहुत सुंदर बात शुरू में कही थी, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अगर हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मन स्थिति अच्छी है तो हम किसी भी परिस्थिति से, विपरीत परिस्थिति से निपट सकते. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा जो मैंने कोशिश करी कि समग्र रूप से आपको एक मेंटल हेल्थ के बारे में जो विभिन्न जानकारियां हैं, जो अलग अलग पहलू हैं, उसके आयाम हैं, हम कहाँ आजकल हैं मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को लेके और हमें क्या करना चाहिए, उस पे मैंने प्रकाश डालने का अपना भरसक प्रयास किया है. उम्मीद है कि आपको जरूर ये कुछ यूजफुल लगा होगा. और जितेंद्र से मैं कहूंगा कि यदि कुछ लोग
चाहें तो अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास सर दो प्री क्वेश्चंस थे जिसको आपने कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं अगर आप उसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहें सर। जो एक क्वेश्चन हमारे पास आया था अजीत कुमार से, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड सोशल मीडिया का क्या रोल है, किस तरीके से सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितेंद्र थोड़ा सा एक बार और रिपीट करिएगा, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है आपकी। जी सर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया किस तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का कॉज है या किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, उस पे उनका एक सवाल है अजीत कुमार प्री क्वेश्चन से। अगर सर आप इसमें कुछ जी मैं इसका उत्तर दे दूं। अजीत जी ने यह सवाल किया है कि सोशल मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित कर रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और जैसा मैंने कहा कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सोसाइटी, और इसमें सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बहुत सारे इश्यूज हैं, खासतौर से इश्यूज हैं लेके किस तरह से लोग फेक न्यूज को फैला रहे हैं, एक भ्रम की स्थिति है, और हमने देखा है कि आइडियोलॉजिकल वॉर्स अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं। लोगों की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उसको लेके तरह तरह की एक्सट्रीम लेवल की पोस्ट सोशल मीडिया पे आती है, और जब हम उनसे सहमत होते हैं या नहीं भी होते हैं, दोनों तरह से वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्यों, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने डिस्कशन में एक पॉइंट रखा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, लेकिन सोशल मीडिया पे हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, उनसे प्रभावित होके वी आर हैम्परिंग अवर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, यानी हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो ऑब्जेक्टिव ना रह के बहुत सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग होती जा रही है। यानी ऐसी पोस्ट जो हमारे आइडियाज से, हमारे थॉट से, हमारे ओपिनियन से मेल खाती है, उनसे तो हम उनको तो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन जो हमारी विचारधारा से बातें मेल नहीं खाती हैं, उनसे हम एक्सट्रीम हद तक दूर चले जाते हैं, और इसी का एक कहीं ना कहीं सहनशीलता का एक अभाव होता है, जिसकी वजह से वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि सोशल मीडिया पे आप रहें जरूर, लेकिन सेल्फ रेस्ट्रेंट बहुत जरूरी है, क्रिटिकल फॉर्म ऑफ थिंकिंग बहुत जरूरी है। जी जितिन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ सर, एक सवाल और है हमारे पास में सर, ये है दीपक मित्तल सर की तरफ से, कि लॉकडाउन में हम अपनी मतलब मेंटल हेल्थ के साथ साथ में फिजिकल हेल्थ के लिए कैसे मेंटेन करें, इस पे सर आपसे। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम एक क्रिकेट एनालॉजी से समझ सकते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में फॉर एग्जाम्पल देर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड इंडिया इज चेजिंग अ टारगेट ऑफ से 400 प्लस, तो बैट्समैन धोनी भी हो सकते हैं, बैट्समैन धोनी के अगेंस्ट कोई भी हो सकता है दूसरी तरफ, तो हम धोनी को क्यों अच्छा चेजर मानते हैं या विराट कोहली को क्यों अच्छा चेजर मानते हैं, बिकॉज देर इज अ फिजिकल फिटनेस, देर इज अ मेंटल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, एंड देन देर इज एन आउटकम। ये ऐसा कई बार कर चुके हैं। सो बहुत सारे प्लेयर्स में जो डिफरेंस है वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेके होता है, यानी मेंटल हेल्थ के साथ साथ द फिटनेस लेवल ऑफ विराट कोहली, ऑफ धोनी, इन द पास्ट यू हैव युवराज सिंह, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही मायने रखती है जितनी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, दे कैन प्ले लॉन्ग इनिंग्स। तो ये मैंने एक एनालॉजी क्रिकेट की दी है क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं क्रिकेट के, बट अगर कॉन्सेप्चुअल वे में समझना चाहें तो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि फिजिकल जो साउंड बॉडी होती है उसमें साउंड मेंटल हेल्थ होती है, और इसीलिए योग क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। योग क्रियाओं, प्राणायाम और ध्यान से हम दोनों को अचीव कर सकते हैं, फिजिकल एज वेल एज।
जी जितिन हाँ, एक मुझे लगता है ये सवाल नहीं है, कुछ उसमें एड ऑन है या कुछ कहना चाहिए डॉक्टर मोहिनी गौतम की तरफ से। इन लास्ट 50 डेज टेक्नोलॉजी फोन वर्क फ्रॉम होम इज ऑल एग्जॉस्टिंग, वी आर ऑन फोल ऑल द कनेक्टेड विद आवर फ्रेंड जस्ट डूइंग रिपोर्टिंग ऑल थिंग्स। जितेंद्र थोड़ा सा लाउडर बोलिएगा, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। सर मुझे लगता है सर इसमें जो डॉक्टर मोहिनी गौतम ने लिखने की कोशिश की है या कहने। हेलो जी, हाँ आप अपना सवाल पूछे मैडम। हाँ अपना सवाल पूछे सर। नमस्ते सर। नमस्ते मोहिनी जी। सर कैसे हैं आप? सर अच्छा लगा फिर से सुन के आपको। थैंक यू। सर मेरा सवाल नहीं है, बस परेशानी। 4 दिन से हम लोग सर यही वर्क फ्रॉम होम वेबिनार, कुछ तो अच्छे हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, बट सर इतना ज्यादा परेशान हो गया ना, फोन पर तो है। हेलो। हाँ, अब आ रही है, अब आप बोल सकते हैं जी। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। सर मैं ये कह रही हूँ कि हम मतलब सोशल मीडिया वाली जो बात है वो मुझे अच्छी लगी, पर सर कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पूरे टाइम फोन पे है, सोशल मीडिया पे है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं। राइट आपका सवाल तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बस चीजों के एप्लीकेशन की बात है। आप देखिए कि मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, बट मेरा ये कहना है कि आप एक्टिव रहिए, लेकिन इसमें एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेस्ट्रेंट। यू हैव टू डिसाइड एज टू व्हाट लेवल यू हैव टू लिमिट द यूज ऑफ सोशल मीडिया इन योर लाइफ, वो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। और ये आएगा कैसे, मैंने आपको बताया कि 1 घंटा जो सवेरे आप अपने लिए निकालेंगे वो आपको ये बताएगा, वो सेल्फ रेस्ट्रेंट देगा। आप भले ही कितना सोशल मीडिया पे हो बट अ काइंड ऑफ मेंटल पीस। और मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया से काउंटर करने के लिए जो बहुत सारी ओवरबर्डेंड हम हो गए हैं इंफॉर्मेशन को लेके, उसका एक बहुत तरीका, अच्छा तरीका है जो मिस हो गया मुझसे, वो ये है कि कनेक्टिंग विद द साइलेंस। साइलेंस इज प्योर। और मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप मेडिटेट करें 1 घंटा अपने लिए जब सवेरे निकालें, तो देर इज अ वेरी स्मॉल टेक्निक कॉल्ड एज कनेक्टिंग विद द साइलेंस। आप सिर्फ 5 मिनट से ये शुरू करके देखिए, 5 मिनट में आप क्या करिए, क्लोज योर आइज एंड बी रिसेप्टिव, लिसन टू द साउंड्स इन द एनवायरमेंट इन द सराउंडिंग्स एंड connect with the pure silence, fill your heart with the silence in those 5 minutes. Don't talk, don't speak, just be quiet. And you will realize within 15 days, 20 days that there is a vast change in your mental state. Connecting with the pure silence is the manner in which you can achieve harmony within yourself. तो आप सोशल मीडिया पे सेल्फ रेस्ट्रेंट करें और मेडिटेशन के लेवल पे आप ये करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू मोनी। सर एक सवाल और आ गया हमारे पास में, हाउ कैन वी नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ अ पर्सन रिगार्डिंग इट्स मेंटल हेल्थ। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जिक्र भी मैंने अपने लेक्चर में किया था कि किस तरह से हम असेसमेंट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ स्टेटस का। मेंटल हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब रह रहे हैं। हमारे अंदर एंजाइटी के क्या कारण हैं, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी के क्या कारण हैं, हमारे अंदर तरह तरह के एप्रिहेशंस को लेके, फियर को लेके, कई बार फियर ऑफ अननोन होता है, हमें पता ही नहीं होता है लेकिन हमें घबराहट होती है, एक भय होता है। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये ऐसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, पहली चीज तो ये जरूरी है। दूसरी चीज ये जरूरी है कि वो जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताया कि अगर आप एक प्रोलॉन्ग पीरियड में देयर इज अ परसिस्टेंस ऑफ एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड से फॉर मोर देन 14 डेज देन यू आर सफरिंग
you are going through a mental issue and you need to consult a counselor. Or videshon mein to aisa kuch nahi hai ki counselor se hum baat nahi karte hain. There is a very normal thing. But in India, we are going through a social stigma. Mental or social labeling ho jati hai vyakti ki, jiski wajah se kai baar log share nahi karte hain. Now, gradually it is changing in India. Lot of NGOs, lot of schools are hiring counselors. So in that way, you can consult a psychologist or a counselor for mild emotional issues. Thank you. थैंक यू सर. मुझे लगता है जो सवाल और एक हमारे पास है इसका मतलब लेक्चर में आपने कवर किया, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ. नामिका चौहान की तरफ से है सर. व्हाट कैन बी डू फॉर मेंटली कूल एंड हाउ कैन अवॉइड एंजाइटी इन लॉकडाउन पीरियड. मैंने जहां तक एंजाइटी से बचने के लिए क्या करें. जी 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 सर, ड्यूरिंग लॉकडाउन एंजाइटी से बचने के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन. देखिए, एंजाइटी भी कई लेवल की होती है. जैसे अभी मैं आप कभी भी कोई नई सिचुएशन में जाते हैं तो देर इज अ सिचुएशनल एंजाइटी. आप नई सिचुएशन में जब भी जाते हैं तो देर इज अ नर्वस एनर्जी विद इन यू विच इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव स्ट्रेस एंड वी नेम इट एज यू स्ट्रेस. दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस. देन देर इज अ डिस्ट्रेस. वेन योर स्ट्रेस हैम्पर्स योर एबिलिटी टू परफॉर्म, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइटी का लेवल हमें देखना पड़ेगा वो क्या है. अगर वो प्रोलॉन्ग कर रही है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में है तो एंजाइटी को टैकल करने की जरूरत है. अब आप कैसे करेंगे. द बेस्ट फॉर्म ऑफ द बेस्ट मेथड एंड टेक्निक इज द ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन. आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप तीनों क्रियाएं सीख सकते हैं. किसी भी आप एक्सपर्ट पे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं जिसमें आप इसमें सबसे ज्यादा तनाव के लिए जो बढ़िया है कि आप भस्त्रिका करें. भस्त्रिका में आप सांस खींचते हैं और एक्सहेल करते हैं. इनहेल एंड एक्सहेल बहुत तेजी से. मैं एक मिनट में आपको बता भी सकता हूं. सो दिस इज द काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट यू कैन परफॉर्म. और ये आप उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको एंग्जाइटी की वजह से इंसोम्निया हो जाता है, उन्हें नींद नहीं आती है. भस्त्रिका बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. देन देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड मेडिटेशन. दिस वुड डू अ वेरी गुड हेल्प फॉर यू इन टैकलिंग एंग्जाइटी. यस जीतन, थैंक यू सर. यू कैन टेक अनदर क्वेश्चन इफ देयर इज. सर, एक सवाल है सनी कुमार की तरफ से. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस. एंजाइटी एंड स्ट्रेस. यस सर. ओके, एंजाइटी इज वन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेस यू कैन से. एंजाइटी लीड्स टू स्ट्रेस. एंजाइटी व्हेन टेकन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, से मोर देन 14 डेज, more than 2 weeks, then it leads to a stress. तो एक प्रथम चरण आप कह सकते हैं, एक one of the factors of stress कह सकते हैं आप. Yes, you can take another question. Yes, Jitin. Is there any other question? Hello. हाँ जी सर, हमारे पास सभी रिटर्न में तो जो सवाल आए थे वो इतने ही हैं जो मैंने आपके साथ साझा किया. पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई डायरेक्टली कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो अपना हैंड रेज कर सकता है सर. कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर डायरेक्ट बात करना चाह रहा है तो वो हैंड रेज कर सकता है. मुझे लगता है सर सारे सवाल हो गए हैं और आपने बड़ा अच्छा सारगर्भित और सारे टॉपिक्स को एस्पेक्ट्स को कवर किया है सर. मेरा निवेदन है प्रिंसिपल डॉक्टर दीप्ति ढिमरी मैडम से, वो अपना माइक अनम्यूट कर ले मैम, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैम. धन्यवाद एक बार फिर से मुझे जोड़ने के लिए. डॉक्टर जितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है. जी जी बिल्कुल मैम. हेलो. हाँ मैम, आपकी आवाज सुन सकता हूँ. आवाज आ रही है मैम आपकी.
तो व्यक्तिगत तौर पे मैं सबसे पहला जो अपना वक्तव्य देना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे जीवन ज्ञान यात्रा का, मेरे जीवन की ज्ञान यात्रा का आज ये बहुत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन स्थापित हुआ है। और मैं सोचती हूँ कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स और जितने भी हमारे सुन रहे होंगे लिसनर्स, उन सब के लिए भी ये बहुत ही ज्ञान वर्धक रहा होगा। और एक छोटे से कहने की बात है कि गागर में सागर किसको कहते हैं, अगर किसी को ये समझना था तो आज का ये सेशन भली प्रकार समझा सकता है। इतने खूबसूरत तरीके से इतनी सारी बातों को मेंटल हेल्थ जैसे क्रिटिकल एक विषय को इतने ही साधारण शब्दों में सबको समझाया आपने। कॉग्निटिव लेवल से इफेक्टिव साइकोमोटर को लेते हुए, लाइफ स्किल्स को जोड़ते हुए, और किस तरह से उसके कंपोनेंट्स में एक मॉडल हमारे समक्ष जो दिया, और एक जो मुख्य बात आपने हमसे कही कि नो दाय सेल्फ, खुद को पहचानो, खुद को जानो, और दूसरी बात आपने मेंटल और फिजिकल दोनों को डिटॉक्स करने के लिए जो हमें बताया, क्योंकि दोनों जुड़े हैं जैसा आपने बताया भाई, एरिस्टोटल ने हमसे कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये आपने हमें बताया कि दोनों का कितना सुंदर सामंजस्य है जिसके लिए आपने योगा पे महत्व देने को कहा है। दूसरी बात आपने जो ये कॉम्पोनेंट्स में बताई थी कि एक क्रिएटिविटी की, ये जो संक्रमण काल है, ये हर चीज का एक संक्रमण काल है जिसमें से गुजरना और एक नई दिशा देने की जहां आवश्यकता होती है कि ट्रेडिशनल टीचिंग से हम कैसे आ रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस को भी हमें करना है, तो उसमें आपने बताया क्रिएटिविटी, एक टीचर को क्रिएटिविटी के साथ कैसे आना है, एंड क्रिएटिविटी इज इनोवेशन। और आपने जो आज एक महत्वपूर्ण हमें एक जो संदेश दिया है कि किस प्रकार स्थापित परिपाटी में हम सुखद परिवर्तन नवाचार के द्वारा ला सकते हैं, और ये तभी संभव है कि जब हम मन और शरीर दोनों से स्वस्थ होंगे। तो मैं जितनी भी आज के आपके इस व्याख्यान की करूं शायद प्रशंसा, वो शायद थोड़ी होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये अभी सेशन खत्म नहीं होना चाहिए और हम इसे सुनते चले जाएं। तो डॉक्टर नीतीश जी, आपने अपना इतना समय दिया, और ये भी सीखने वाली बात है, आपने एक और चीज सिखाई है, एक आपने इसके लाइफ स्किल के साथ आपने एक स्किल और सिखाई है कि एक लेक्चर कैसा होना चाहिए, एक व्याख्यान कैसा हो, ये शिक्षकों को सीखना होगा कि हम सबको जोड़ के रखें जो हमारे लिए बोझिल भी ना हो, और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम एक नई चीज को भी सीखे, हम सबने सीखा है मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन हमारी सोशल वेलबींग के लिए कितना जरूरी है। मैं पुनः पुनः विवेक परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आशा करती हूँ कि जब कभी भी आपको दोबारा समय होगा तो पुनः पुनः आप हमारे साथ जुड़कर हमें इस ज्ञान गंगा में पुनः बहाने का प्रयास करेंगे, हमारे कॉलेज में जुड़ेंगे और हम सबको इसे लाभ देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी एज वन ऑफ देयर स्पीकर्स। It was really great to be in touch with you all. My best wishes to the organizers and to all the participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. आपने हमारे निवेदन को एक फोन पे कॉल पे हमें रिकॉग्नाइज भी किया और निवेदन को स्वीकार किया। सर आपका विशेष रूप से आभार, सभी पार्टिसिपेंट्स का विशेष रूप से आभार, हमारे साथ में हमारी टेक्निकल टीम जो थी डॉक्टर हितेश शर्मा, इंजीनियर अनुज शर्मा, उनको भी विशेष रूप से आभार, सभी जो हमारे डिफरेंट कॉलेज से प्रिंसिपल्स जुड़े थे उनका विशेष रूप से आभार, साथ साथ में हमारे प्रबंधनकारिणी के सभी सदस्यों को, चेयरमैन अमित गोयल सर का विशेष आभार, उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमें नित्य नए प्रयास करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इंजीनियर दीपक मत्तर सर का भी विशेष रूप से आभार, सर डीके अग्रवाल सर, ट्रेजरार हमारे कॉलेज के सर, उनका भी विशेष रूप से आभार। थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स से, फिर हम किसी नए सेशन में आपके साथ जुड़ेंगे सर। थैंक यू सो मच सभी को।